पति से नाराज होकर पत्नी चली गई मायके, तो पति ने अलग होने की अर्जी दाखिल कर दी, वो भी शादी के 50 साल बाद। क्या हुआ, चौंक गया? पति पत्नी के बीच झगड़ा होना तो आम बात है, लेकिन यूपी के गोंडा से एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सामने आया जिसमें बूढ़े पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया और शादी के 50 साल बाद इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने की सोची। जी हाँ, 75 साल के शिवनाथ थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी झगड़े के बाद अपने मायके चली गई हैं और अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहते। जब पुलिस ने बुजुर्ग पति की बात सुनी तो वो भी चौंक गए कि वो इस उम्र में अपनी पत्नी को तलाक क्यों देना चाहते हैं। खैर, इसके बाद पुलिस ने दंपति को जैसे तैसे समझा बुझाकर सुलह करवाई और दोनों को एक दूसरे के हाथ से मिठाई खिलाकर समझौता करवाया। बुजुर्ग पति ने आज तक को जो बताया वो आप खुद सुनिए। होता था कि जैसे हमका ये रोटी बना नहीं खावा था, मैकत चली जाती है तो हमें क्या खावा, कोई नहीं खावा था, तो ये नाते से हम थाने का चला गए और हम शिकायत किया बड़ा साहब से कि साहब हमारे इनका परोदेशन ना हुई। बड़ा साहब कहें नहीं हुई गई, ये नाते से सारी बात ही बाहर। तो आगे समझौता जारी रहेगा बाबा? हाँ रही, हमारे ओर से तो रहा के लिए। पत्नी ने बताया कि उनके पति गालियां देते थे इसीलिए वो उन्हें छोड़कर चली गईं, लेकिन अब सुलह हो गई है। हाँ कहा था हम छोड़ देवे, तो हम कहा छोड़ दे तो चलो छोड़ दियो, मैं मन में तो कर बे हम और कहा। अब समझौता हो गया? हाँ अब समझौता हो गया, अब राजी खुशी है। हाँ राजी खुशी से। हाँ अब ये बुजुर्ग पति पत्नी खुश हैं और इस मामले में यूपी पुलिस की काफी सराहना हो रही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहें आज तक।